कंपनियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी। महोदय, मैं राज्य में प्रधानमंत्री वित्त पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय का भुगतान करने एवं तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय देने हेतु मैं सरकार का मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 1009/2005 दिनांक 16 जनवरी 2006 के आलोक में निर्गत किया गया है। बक्सर सहित विभिन्न जिलों में शेष बचे आश्रितों की शीघ्र बहाली करने की मांग करता हूं। शिक्षा विभाग के अलोकतांत्रिक फैसले से शिक्षक समुदाय में चरम आक्रोश है। सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रहे नियोजित शिक्षकों को परीक्षाओं के मकर जाल में उलझा दिया गया है। नियमावली के अव्यवहारिक पहलुओं यथा 3 जिले के विकल्प को विलोपित करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण और अन्य जरूरी संशोधनों के सवाल पर अपनी आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। महोदय, स्कूलों की समय सीमा 9 से 5 बजे तक का फरमान पूरी तरह अमानवीय और अव्यवहारिक है। महिलाएं दिव्यांग शिक्षकों को इसको कारण भारी परेशानी हो रही है। उनकी कई छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। महागठबंधन सरकार में शिक्षकों की अस्थायी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के जरिए निजी कंपनियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त और संचालन का अधिकार दे दिया है। यह शिक्षकों के विनाश का कारण बनेगा। विश्वविद्यालय शिक्षकों तक के लिए फरमान लागू कर दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं। महोदय, ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। पहले से कार्यरत संघ या संगठन की मान्यता समाप्त कर पत्र जारी कर दिया गया है। इस अलोकतांत्रिक फैसले का विरोध करने पर उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। महोदय, हमारी समझ है कि शिक्षा की व्यवस्थागत कमियों पर ध्यान देकर और उससे संबद्ध सभी तबकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करके ही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल का निर्माण किया जा सकता है। अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और दयनीय हो जाएगा। महोदय, अतः बिहार के लाखों शिक्षकों की वाजिब मांगों और शिक्षा में जनपक्षीय सुधार के अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित करके बहस की मांग करते हैं। महोदय, अजीत शर्मा जी, शिक्षा का सवाल है। अजीत शर्मा जी, शिक्षा ही अपना कार्य संगठन पढ़िए, बैठ जाइए, सुन लिया, बैठ जाइए, बोलिए जी। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में 2006 से नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे नियोजित शिक्षक उद्वेलित हैं और सड़कों पर उतर गए हैं। सरकार की दमनात्मक नीति के कारण आंदोलित शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रशासन निर्मम हो गया है। शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित करते हुए नियोजित शिक्षकों की समक्षता पर प्रश्न की घोषणा से उत्पन्न भीषण स्थिति पर चर्चा कराई जाए। अब शून्य काल लिए जाएंगे। मोहम्मद अंजार नईमी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित समस्त बिहार में मदरसा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के उपरांत 75% मदरसों में शिक्षकों का पद रिक्त हो जाने के कारण पठन पाठन का कार्य बाधित है। मैं सरकार से 1128 कोटि के मदरसों में रिक्त शिक्षकों के पद पर शीघ्र बहाली की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। महोदय, बिहार में 1990, 1997, 2010, 2012 तक कुछ जिलों में सेवानिवृत्त दफादार चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति कर ली गई है।
लेकिन पूरे बिहार में 50% के करीब आश्रित इस लाभ से वंचित हैं। करीब 5000 आश्रितों का अविलंब नियुक्ति करे सरकार। ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए, ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बकवा नहीं माना, अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे कहते, क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे, और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे अरे हम अरे बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सदेव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई, बैठिए। तो जो तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके हम पूछिए, आज ही हम बात कर लेंगे, आज ही हम कर लेते। महोदय, मैं राज्य में प्रधानमंत्री वित्त पोषण योजना अंतर्गत कार्यरत रसोइयों को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, साल में 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय का भुगतान करने एवं तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय देने हेतु मैं सरकार का मांग करता हूँ। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 के बाद सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC नंबर 1009/2005 दिनांक 16 जनवरी 2006 के आलोक में निर्गत किया गया है। बक्सर सहित विभिन्न जिलों में शेष बचे आश्रितों की शीघ्र बहाली करने की मांग करता हूँ। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त सभी कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के बजाय विभिन्न विभागों में संविदा पर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। बेल्ट्रॉन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पत्रांक 7541 दिनांक 1/11/2018 के अनुसार इससे राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत भी होगी। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों की भांति संपूर्ण बिहार के छात्र छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की एवं दूसरे राज्यों के परीक्षार्थियों को केवल 10% आरक्षण देने की मांग सदन से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सुदूर जिलों के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की वजह से देहात के गाँवों में उन्हें कोई अपना मकान किराया पर भी देना नहीं चाहता है, अतः मैं मांग करता हूँ कि महिला एवं विकलांग शिक्षकों को गृह जिला में सुविधा अनुसार स्थानांतरित किया जाए। प्रदेश में लगभग 9600 आपदा मित्र और सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर निरंतर सेवा दे रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी कार्य की पूर्ण उपयोगिता स्पष्ट न करने की स्थिति में हजारों युवक युवती पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण पलायन करने को मजबूर है। अध्यक्ष महोदय, अतः आपदा मित्रों सखियों की उपयोगिता स्पष्ट कर कार्य का निश्चित मानदेय तय करने के साथ उनकी अस्थायी नियुक्ति के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में खिलाड़ियों ने खेल के क्षेत्र में देश विदेश में मकाम बनाया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों के हित में तत्काल प्रभाव से प्रत्येक पंचायत में स्टेडियम बनाने के लिए जगह चिन्हित कर उसका घेराबंदी कराकर डे नाइट मैच एवं प्रैक्टिस के लिए सोलर फ्लड लाइट सिस्टम की व्यवस्था कराने के साथ साथ उसी परिसर में जिम, वाईफाई युक्त लाइब्रेरी एवं स्टडी हॉल बनाने की मांग करती हूँ।